मॉनसून की वजह से देश में न सिर्फ कोयले का उत्पादन कम हुआ है बल्कि ताप बिजली घरों के पास कोयले के स्टॉक में भी कमी आई है। जुलाई महीने में देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने कुल 4.73 करोड़ टन कोयला उत्पादन किया है, जो पिछले साल जुलाई 2021 के मुकाबले 11% ज्यादा है, लेकिन जून 2022 में दर्ज 5.16 करोड़ टन उत्पादन से कम है। कंपनी ने कहा है कि वह इस महीने ताप बिजली घरों की मांग के मुताबिक ही कोयले की आपूर्ति की है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने के अंत में इन बिजली संयंत्रों के पास 2.96 करोड़ टन कोयला उपलब्ध है। पर बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि अगले 2 से 3 महीने उत्पादन की क्या स्थिति रहती है। अगर कोल इंडिया और बिजली संयंत्रों के पास स्टॉक को मिलाकर देखा जाए तो कुल 7.71 करोड़ टन कोयला उपलब्ध है, जबकि जून महीने के अंत में ये स्टॉक 7.4 करोड़ टन का था। इस तरह से कोयला उत्पादन में गिरावट आने के बावजूद कुल उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन अब अगले 2-3 महीने कोयला उत्पादन की स्थिति कैसी रहती है, इस पर सभी का ध्यान रहेगा। मॉनसून की वजह से पिछले वर्ष भी अगस्त सितंबर में कोयला खदानों से निकासी काफी प्रभावित हुई थी। नतीजा ये था कि अक्टूबर नवंबर 2021 में पूरे देश में कई हफ्तों तक भारी बिजली संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं CIL ने कहा कि अभी ताप बिजली घरों के पास ठीक ठाक कोयले का स्टॉक है, लेकिन अगर अगस्त 2021 की तरह अगस्त 2022 में भी अचानक मांग बढ़ती है तो स्थिति बदल सकती है। तब एक महीने में ही कोयले का स्टॉक 1.12 करोड़ टन कम हो गया था और इसका भारी असर बाद के महीने में देखने को मिला था। कोयला मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और महानदीप कोल फील्ड्स में मॉनसून की वजह से उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जिसका असर कोयला उत्पादन पर दिखाई दे रहा है। अगर मॉनसून लंबा खिंच जाता है तो आगे स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस संभावना को देखकर ही केंद्र सरकार लगातार कोयला आयात करने पर जोर दे रही है। कोल इंडिया अभी 60 लाख टन कोयले का आयात का ऑर्डर दे चुकी है और 1.2 करोड़ टन कोयला और भारत आयात करने की प्रक्रिया जारी की हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।